नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कच्ची हल्दी खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हल्दी के खास गुणों से अमूमन हर कोई परिचित होता है। भारतीय खाने की हल्दी के बिना कल्पना करना भी मुश्किल है। हल्दी का उपयोग पाचन तंत्र को सुधारने में, सूजन कम करने में और शरीर के शोधन में हजारों सालों से उपयोग किया जा रहा है। इसमें पाया जाने वाला तत्व करक्यूमिनोइडिस और वोलाटाइल तेल कैंसर रोग से लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। सर्दियों के मौसम में हल्दी की गांठ का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक है और इस समय हल्दी से होने वाले फायदों को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि कच्ची हल्दी में हल्दी पाउडर की तुलना में ज्यादा गुण होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कच्ची हल्दी के इस्तेमाल के दौरान निकलने वाला रंग हल्दी पाउडर की तुलना में काफी ज्यादा गाढ़ा और पक्का होता है। कच्ची हल्दी अदरक की तरह दिखाई देती है। इसे जूस में डालकर, दूध में उबालकर, चावल के व्यंजनों में डालकर, अचार के तौर पर, चटनी बनाकर और सूप में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको हल्दी के कुछ गुण बताता हूँ। पहला है, कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं। ये खास तौर पर पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उन्हें खत्म भी कर देते हैं। यह हानिकारक रेडिएशन के संपर्क में आने से होने वाले ट्यूमर से भी बचाव करती है। दूसरा है, हल्दी में सूजन को रोकने का खास गुण होता है। इसका उपयोग गठिया रोगियों को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। यह शरीर के प्राकृतिक सेल्स को खत्म करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है और गठिया रोगों में होने वाले जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचाती है। तीसरा है, कच्ची हल्दी में इंसुलिन के स्तर को संतुलित करने का गुण होता है। इस प्रकार यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। इंसुलिन के अलावा यह ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, जिससे मधुमेह के दौरान दी जाने वाली उपचार का असर बढ़ जाता है। परंतु अगर आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं और वो बहुत हाई डोज की हैं, तो हल्दी के उपयोग से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चौथा है, शोध से साबित हो चुका है कि हल्दी से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हल्दी इस तरह से शरीर में बैक्टीरिया की समस्या से बचाव करती है। यह बुखार होने से रोकती है। इसमें शरीर को फंगल इन्फेक्शन के बचाने के गुण होते हैं। पांचवा है, हल्दी के लगातार इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल सेरम का स्तर शरीर में कम बना रहता है। कोलेस्ट्रॉल सेरम को नियंत्रित रखकर हल्दी शरीर को हृदय रोगों से सुरक्षित रखती है। छठा है, कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के भी गुण पाए जाते हैं। इसमें सोरायसिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों से बचाव के गुण होते हैं। सातवा है, हल्दी का उपयोग त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है। इसके एंटीसेप्टिक गुण के कारण भारतीय संस्कृति में विवाह के पूर्व पूरे शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया जाता है। आठवा है, कच्ची हल्दी से बनी चाय अत्यधिक लाभकारी है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नवा है, हल्दी में वजन कम करने का गुण पाया जाता है। इसका नियमित उपयोग से वजन कम होने की गति बढ़ जाती है। शोध से साबित होता है कि हल्दी लीवर को भी स्वस्थ रखती है। हल्दी के उपयोग से लीवर सुचारू रूप से काम करता रहता है। हल्दी विस्मयकारी गुणों से भरपूर है, परंतु कुछ लोगों पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। जिन लोगों को हल्दी से एलर्जी है, उन्हें पेट में दर्द या डायरिया जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को कच्ची हल्दी के उपयोग से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इससे खून का थक्का जमना भी प्रभावित हो सकता है, जिससे रक्त का बहाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।